आज हम साइंस में एक ऐसे रेप्टाइल रेंगने वाले प्राणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसकी खोज की गई है हमारे साउथ वाले हिस्से में। ठीक है, इसकी कौन-कौन सी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इसकी संरचना है, ये सारी बातें देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या वर्ल्ड में कहीं और पर इस प्रकार का प्राणी पाया गया है। तो ये सारी बातें जानने से पहले हमें समझना होगा फॉसिल्स क्या होता है, क्योंकि फॉसिल्स की मदद से ही इस प्राणी की, इस जीव की खोज की गई है। ठीक है, जब भी कोई प्राणी, जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे सड़कर गलकर जमीन में दब जाते हैं, इसके बाद उनका बचा रहता है अवशेष। वो अवशेष किसी जीव जंतु की हड्डियों का ढांचा हो सकता है, जैसे उसका मान के चलो सिर है, सिर की हड्डियों का ढांचा बचा है, उसके हाथ पैर की हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है, उसे हम कहते हैं फॉसिल्स। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है किसी पत्थर पर या फिर मिट्टी पर उसके पैरों के निशान हमको देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें फॉसिल्स के अंतर्गत आती हैं और इनकी ही सहायता से हम किसी प्राणी के विकास का अध्ययन करते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि आज से कुछ समय पहले के प्राणी किस टाइप के रहे होंगे। डायनासोर का भी पता हमने इसी प्रकार के फॉसिल्स की मदद से लगाया है। तो हम बात कर लेते हैं अब न्यूज़ की। ठीक है, अभी जो नए जीव की खोज की गई है उसका नाम रखा गया है भारी ताला सुचुस तपानी। ये एक प्रकार का कार्निवोरस रेप्टाइल है, मतलब कि मांसभक्षी टाइप का ये रेप्टाइल है जो कि रहा करता था 240 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर। ठीक है, और यदि हम बात करें इंडियन फॉसिल स्पेसिमेन की, तो इसका कभी ना पहले अध्ययन नहीं किया गया था क्योंकि ये कंप्लीट नहीं था। जैसे ढांचे हमारे यहाँ पर मिले हैं ठीक वैसे ही ढांचे अदर कंट्रीज़ के साथ में यदि तुलना करें ना, तो हमारा देश का तो कंप्लीट ही नहीं हो पाया था। तो कैसे हम कंपेयर कर पाते और ये बता पाते कि नहीं, ये जो है तपानी ही प्राणी है। अब हम बात कर लेते हैं इस रिसर्च में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं। तो यदि हम 20वीं सेंचुरी के मीडियम मध्य वाले पीरियड की बात करें, तो रिसर्चर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के, इन्होंने एक एक्सटेंसिव स्टडी करी रॉक ऑफ द येरापल्ली, ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ पर, तेलंगाना में, और यहीं से कई सारे जो फॉसिल्स हैं उनको अनकवर किया गया, उनका उजागर किया गया। अब आइए इस जीव की थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। देखो, ये जो रेप्टाइल किस जीनस से बिलोंग करता है, कौन सी स्पीसीज है, ये सारी बातें ना प्रीवियसली अभी तक अननोन रही थी। ठीक है, तो जीनस मतलब जाति और स्पीसीज मतलब हो जाता है प्रजाति। अब इसके बाद आ गई बात कि हम इसका नाम क्या रखें, तो उन्होंने इसका नाम रखा था भारी ताला सुचुस तपानी। ठीक है, ये पूरा नाम है इसकी, एक बार हम पिक्चर भी देख लेते हैं। तो यदि हम इसको तेलुगु लैंग्वेज में नाम दे रहे हैं तो भारी का मतलब होता है ह्यूज, ताला का मतलब होता है हेड, और सुचुस का मतलब होता है, सुचुस जो वर्ड है, नेम ऑफ द इजिप्टियन क्रोकोडाइल हेडेड डाइटी। ठीक है, ये एक क्रोकोडाइल है जो कि इजिप्ट में पाया जाता है, उसी का ये नाम है सुचुस। तो तीन नाम इसके रखे गए हैं, ह्यूज हेड डाइटी, और ये हेड कहाँ का है, इजिप्टियन क्रोकोडाइल हेडेड डाइटी। अब इसके नाम में तपन भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो तपन जो वर्ड जोड़ा गया है पालेंटियोलॉजिस्ट तपन रॉय चौधरी के नाम पर जोड़ा गया। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इंडियन वर्टिब्रेट पैलेंटियोलॉजी में। ठीक है, वर्टिब्रेट पैलेंटियोलॉजी मतलब ऐसा जीवाश्म विज्ञान जिसमें हड्डियों का सहारा लिया जाता है अध्ययन के लिए, तो इन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया था। स्पेशली हिज एक्सटेंसिव वर्क ऑन येरापल्ली फॉर्मेशन टेट्रापोड फ्यूना के मामले में। इसी के चलते चलते
ये जो नए जीव की खोज की गई है ना, इसमें तपन वर्ड जोड़ दिया गया था। तो अभी जो नया प्राणी खोजा गया है उसकी आकृति इस टाइप की है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक इसी प्रजाति का वो भी एक प्राणी है जो कि वर्ल्ड के अन्य हिस्सों में भी पाया जाता है। अब यदि हम बात कर लें कि ये जो प्राणी की जो खोज हुई है ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ठीक है अभी एक रेप्टाइल है जो कि अब धरती में नहीं पाया जाता है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसका नाम था एरिथ्रोसुचिडाई, जो अभी हम पिक्चर देखे हैं ना, तो वो जो रेप्टाइल था और ये जो रेप्टाइल है दोनों एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अभी यदि हम बात करें इसके आइडेंटिफिकेशन की, तो इसका आइडेंटिफिकेशन पहले संभव नहीं था, क्योंकि कि केवल ये यहीं पर पाया गया था, मतलब केवल अभी एक ही एग्जांपल हमको देखने को मिला है, कंट्री के दूसरे हिस्से में हमें कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिला था, इसके लिए इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो थोड़ा कठिन था। ठीक है, इसको निग्लेक्टेड किया गया था क्योंकि जो फॉसिल का आपके पास नमूना था वो कंप्लीट नहीं था, जैसा कि अदर जगह पर ये जो रेप्टाइल है एरिथ्रोसुचिडाई पाया जाता अदर कंट्रीज में, ठीक उसी प्रकार का कंप्लीट यदि हो जाता तो हम कह सकते थे कि वहाँ जो रेप्टाइल है और ये जो हमको मिला है वो कंप्लीट है, दोनों सेम है। अब हम बात कर लेते हैं भारी ताला सुचुस्तपानी रेप्टाइल के बारे में। ये रोबस्ट एनिमल था, मतलब एकदम हष्टपुष्ट मजबूत, इसका जो हेड है बड़ा था और टीथ भी बड़े बड़े पाए जाते थे, और ये हो सकता है कि ये प्रीडेटेड करते हों अदर स्मॉलर रेप्टाइल्स को, मतलब जो छोटे रेप्टाइल्स हैं उनको ये खाते थे, ये मांसभक्षी थे, इसीलिए इनका जो बॉडी है ना इस प्रकार से हो गई थी, मजबूत बड़े बड़े दांत और बड़ा सा हेड, क्योंकि ये अदर छोटे छोटे रेप्टाइल्स को खाते थे। यदि हम बात कर लें अप्रॉक्सीमेटली इनके साइज की ना, तो एडल्ट मेल लायन के इनके बराबर ही शरीर था, और उस समय के ये लार्जेस्ट प्रीडेटर रहे थे इकोसिस्टम में। क्या और कहीं कहीं पर भी ये पाए जाते हैं, तो एरिथ्रोसुचिडाई इसको डिस्कवर किया गया था साउथ अफ्रीका में 1905 में। इसके बाद भी हमें कुछ कुछ और एग्जांपल देखने को मिले थे इस प्रकार के रेप्टाइल्स के चाइना और रसिया में। साउथ अफ्रीकन जो था वो लगभग 245 मिलियन पुराना रहा है, मतलब 245 साल पहले ये पाया जाता था, लेकिन चाइना और जो रसिया के हैं वो 240 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। सो इंडियन वन इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट फॉसिल रिकॉर्ड वी हैव ऑफ एरिथ्रोसुचिड, ऐसा यहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है। तो केवल यहाँ पर ये रेप्टाइल ही अकेला नहीं पाया गया है, इसके अलावा यहाँ पर राइंचोसोर, इसके अलावा एक लंग फिश है वो भी यहाँ, उसके फॉसिल्स भी मिले हुए हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक अभी और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिकों को इस बात की भी टेंशन है कि अब इनके फॉसिल्स या तो नष्ट हो जा रहे हैं या तो फिर हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, कुछ कुछ रीज़न यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बताए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग की एक्टिविटी देखने को हमको मिलती है, एग्रीकल्चर एक्सपांसन देखने को मिल रहा है, अर्बनाइजेशन है, तो यही सारी जो चीज़ें हैं ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर रही हैं फॉसिल फेरस लोकेलिटीज ऑफ इंडिया। मतलब ऐसी जगहें जहाँ पर फॉसिल्स पाए जाते हैं, अब वो सब चीज़ें ग्रेजुअली धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ये सारे रीजन यहाँ पर बताए गए हैं। और जहाँ पर हमने ये एग्जांपल ये इस प्राणी की खोज की, रेप्टाइल की खोज की है, वो जगह भी इससे अछूती नहीं रही है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है।